मतलब टेढ़ा, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हमारा जो ग्लोब है वो एक स्टिक के साथ, एक रॉड के साथ जुड़ा हुआ है, जो कि थोड़ा सा टेढ़ा है। ये देखो हमारा ये टेढ़ा है। दिस रॉड ऑल्सो सर्व्स एज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिनोट्स द एक्सिस ऑफ द अर्थ। जो हमारी जो लाइन है, जो ये वाली टेढ़ी हो रखी है, ये हमारा एक्सिस ऑफ द अर्थ है। डेज इन डेज एंड नाइट्स आर अ रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। जो हमारे डेज और नाइट्स हैं वो एक एक्सिस पे जब अर्थ घूमती है उसका रिजल्ट है। द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑन द एक्सिस इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल। जो हमारा सबसे ऊपर है उसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। वाइल द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड, और ये हमारा साउथ पोल है। वाइल द बॉटम मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड द साउथ पोल, देयर आर सर्कुलर और सेमी सर्कुलर लाइन्स रनिंग अक्रॉस द ग्लोब। जैसे कि हमारे ये हमारे कुछ सर्कुलर लाइन्स हमारे ग्लोब के अराउंड हैं। द लाइन्स दैट रन इन सर्कल्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। जो सर्कुलर इसमें है इन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं। वाइल दोज दैट रन इन सेमी सर्कल्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स। और यहाँ पर एक कुछ लंबे में होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। देयर आर टोटल ऑफ 360 लॉन्गिट्यूड्स एंड 181 लैटिट्यूड्स। टोटल हमारे 360 लॉन्गिट्यूड्स एंड 181 लैटिट्यूड्स हैं। 90 नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, 1 इक्वेटर एंड 90 सदर्न लैटिट्यूड्स एंड देयर आर दीज लाइन्स आर इमेजिनरी। हमारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, ऐसे ड्रॉ नहीं होती बट ये इमेजिनरी होती हैं। दे हेल्प अस इन मेकिंग द लोकेशन ऑफ प्लेसेज शोन इन द ग्लोब। वो हमें मदद करती हैं लोकेशन मार्क करने में एक ग्लोब पर। लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो हमारी लैटिट्यूड्स हैं ये हमारी वेस्ट टू ईस्ट जाती हैं लाइन्स। इक्वेटर इज एट 0 degree। ये जो हमारा 0 degree है ये हमारा इक्वेटर है। इट डिवाइड्स द अर्थ इंटू टू इक्वल हाफ्स कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड द सदर्न हेमिस्फेयर। जो हमारा इक्वेटर है वो हमारे अर्थ को दो हाफ्स में डिवाइड कर देता है। ऊपर वाला होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला होता है हमारा सदर्न हेमिस्फेयर। ऑल अदर लाइन्स रन पैरेलल टू द इक्वेटर। वो सारी एकदम पैरेलल होती है, इंटरसेक्ट नहीं करती। दे गेट स्मॉलर एज दे रीच द टू पोल्स द नॉर्थ एंड साउथ पोल। वो छोटी हो जाती हैं जब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास पहुंचे। जैसे यहाँ पे छोटी हो गई, यहाँ पे और बड़ी 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 फिर छोटी। दे नेवर मीट इन एनी पॉइंट। वो किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं। और लाइंस आर मेजर्ड इन डिग्रीज। वो सारी डिग्रीज में मेजर कर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर। द नॉर्थ पोल इज एट 90 degree नॉर्थ। दिस मीन्स इट इज अबव द इक्वेटर। जो हमारा नॉर्थ पोल है वो हमारा 90 degree नॉर्थ है, जो कि इक्वेटर के सीधा ऊपर है। और द साउथ पोल इज एट 90 degree साउथ। इट मीन्स इट इज बिलो द इक्वेटर। और जो साउथ पोल है हमारा सीधा उसके नीचे है। द टू अदर मेजर लाइन्स इन ईच हेमिस्फेयर आर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 degree नॉर्थ, आर्टिक सर्कल 66 degree नॉर्थ, सदर्न हेमिस्फेयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 degree साउथ, अंटार्कटिक सर्कल 66 degree साउथ। इस डायग्राम में हम बता रखा है कि कहाँ पर आर्टिक सर्कल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल। लॉन्गिट्यूड्स आर इमेजिनरी सेमी सर्कल्स रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स, जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे लैटिट्यूड्स ऐसे होते हैं और लॉन्गिट्यूड्स हमारे ऐसे होते हैं, सेमी सर्कल में बनते हैं। दे आर ऑल इक्वल इन लेंथ। वो इक्वली होते हैं लेंथ में। दे टू आर मेजर इन डिग्रीज। ये भी हमारे डिग्रीज में मेजर करे जाते हैं। द 0 degree मेरिडियन इज नोन एज द प्राइम मेरिडियन। घेरा हमारा 0 degree, जो वाली रेड वाली लाइन है ये है प्राइम मेरिडियन। द प्राइम मेरिडियन पासिस थ्रू लंडन नियर द ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी। जो हमारी प्राइम मेरिडियन है वो हमारी लंदन से पास करती है। यहाँ पर होगा हमारा लंदन, पीछे जाके ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी में। द अदर मेरिडियंस आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट रिस्पेक्टिवली ऑफ द प्राइम मेरिडियंस। और बाकी जो अदर मेरिडियंस हैं वो हमारे ईस्ट और वेस्ट मार्क करे जाते हैं। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। इंडिया इज अ कंट्री ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जैसे कि हमारा वर्ल्ड मैप है, ये हमारा एशिया है सारा, ये यूरोप है। एशिया है जो वो है इंडिया का कॉन्टिनेंट है। लेट अस नो स्टडी अबाउट द अदर कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑल्सो द वाटर बॉडीज दैट इज सीज एंड ओशंस। आओ चलो पढ़ते हैं और अदर कॉन्टिनेंट्स के हमारे जो दुनिया में है और वाटर बॉडीज जैसे सीज और ओशंस। देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, नेमली नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। यह हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। दे आर 5 ओशंस, नेमली पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, सदर्न ओशंस। और हमारे 5 ओशंस हैं। फर्स्ट है हमारा पैसिफिक ओशन, ये रहा आर्टिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड सदर्न ओशन।
देखिए अब हम पढ़ रहे हैं फोर इम्पॉर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो आपका होता है सर्कल होते हैं, सर्कल्स होते हैं, जैसे आप बॉल लो और उस पर सर्कल मारते जाओ। तो ये सर्कल जो होते हैं, इक्वेटर जो है वो सबसे बिगेस्ट सर्कल है, बाकी जब आप ऊपर जाओगे नॉर्थ पोल की तरफ तब वो छोटे होते जाएंगे, नीचे जाओगे तो भी छोटे होते रहेंगे। तो चार इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे बीच में से जाता है ना अर्थ को, जो दो पार्ट में बांटता है 0 डिग्री, उसे हम कहते हैं इक्वेटर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऊपर वाले पार्ट होता है हमारा नॉर्थन हेमिस्फीयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। अब नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो हम डिग्री में करते हैं तो यहाँ हम NN लगाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होती है, इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखो ये रहा डायग्राम। अब ये जो है ये इक्वेटर हमारी अर्थ टिल्टेड है ना, झुकी हुई है, इसलिए ऐसे है। ये जो है 23.5 है, आधा है ये, तो तब आ गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 पे आर्कटिक सर्कल, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसिकॉर कैप्रिकॉन और आर्कटिक सर्कल। ये इम्पॉर्टेंट है। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है डायग्राम, क्योंकि ये अर्थ को ना अलग अलग जोन्स में बांटता है, तीन जोन्स में। तो जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन का रीजन है ये सारा बीच का, ओके, इसे हम कहते हैं टॉरिड जोन। ऊपर इन दोनों के बीच में और नीचे इन दोनों के बीच में टेम्परेट जोन, और वो वाला हो जाता है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड मतलब जहां पूरे साल बर्फ जमी रहती है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में होता है, नॉर्थ में है तो नॉर्थ टेम्परेट जोन और साउथ में है तो साउथ टेम्परेट जोन।